24 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आगरा आ रहे हैं। उनके आगरा आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला और शहर ने बैठक की और उनकी यात्रा को लेकर रूट मैप भी तैयार किया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे और लोगों से वार्ता करेंगे। आगरा में यात्रा पहले जो कैंसिल हो गई थी, राहुल जी की यात्रा 24 और 25 को यहीं रहेगी। 24 को हम खंदौली वाले टोल पे से आगरा के सभी कार्यकर्ता जनवल के साथ में उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद में वाटर वॉक्स होते हुए हरि भगवान टॉकीज से लेके पैदल मार्च आपका पूरा MG रोड पे चलेगा। दूसरी मुरादाबाद से लेके जो दूसरे चरण की यात्रा है वो आगरा तक आएगी। अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, हाथरस है, ये सब इधर से होते हुए आएगी। देखिए कल की हम आपको रिपोर्ट बता दें तो कल की रिपोर्ट इस तरह की है कि नालायकों ने, जो जलने वालों ने, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को बिगाड़े हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस के कई बैनर पोस्टर फाड़ दिए, तो कईयों पे कालिक पोत दी। तो इससे ये संदेश आता, डरे हुए लोग हैं ये, राहुल जी की और कांग्रेस की बढ़ती हुई नहीं पा रहे हैं और डरे हुए लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई वहाँ से लेके डिस्टर्बेंस पैदा करते करते उसके बावजूद भी राहुल जी रुक नहीं रहे, उनके कार्यकर्ता नहीं रुक रहे हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं और लाखों की भीड़ राहुल जी के साथ चल रही है। जैसे राहुल जी की यात्रा से उत्साह है लोगों में, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे महिलाएँ हों। आप बनारस का आज देख लीजिएगा, बनारस में कितनी छतों पर हैं लोग, कितनी भीड़ है, क्योंकि वो एक सत्य का योद्धा है, ईमानदार योद्धा है, निडर योद्धा है और ऐसे के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और वो आदमी उन राहुल जी हमारे, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा इन 5 लोगों को लेके, हम चल रहे हैं बिंदुओं को लेके, जब तक राहुल जी संघर्ष करते रहेंगे। खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक बाइक से। चूँकि ये दोनों लोकसभा क्षेत्र को कवर करना है और इसके साथ साथ यहाँ से राजस्थान की सीमा में चले जाएंगे, इसलिए वो आगरा आएंगे और आगरा में उनकी जनसभा भी होगी और तारीख लगभग है 24 या 25 में ये आगरा के अंदर रहेंगे। और बहुत जोश है, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश ऊपर केंद्र का होगा उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि चुनाव की तैयारियां पहले से की जाती हैं, इसलिए आगरा जिला और शहर दोनों मिलकर आज संगठन के बारे में चिंतन करेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। और वर्तमान सरकार इस यात्रा को रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है कि सरकार तो ED और CBI और IT इनकम टैक्स के हिसाब से चल रही है। उनका एक ही मकसद है कि किसी प्रकार से भी विरोधियों को आगे न चलने दिया जाए और कार्य न करने दिया।